एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक बंगाल के एक स्पेशल डिश बनाने जा रही हूँ जिसे हर अच्छे काम में खाया जाता है और ये बहुत हेल्दी भी होता है। आप इसकी सब्जियों को देख के ही अंदाज़ा लगा चुके हैं कि ये कितना हेल्दी होगा। ये है एक शुक्तो की रेसिपी। बंगाल में इसे शुक्तो में बोला जाता है। शादी हो या किसी का जन्म हो या कुछ भी हो, कुछ भी अच्छे समय पे इसे ज़रूर परोसा जाता है। मैं आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। इसमें जो मेन दो चीज़ है वो है ये करेला और ये बैंगन। ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए शुक्तों में। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये है मेरे पास करेला, इसे मैंने लंबा लंबा काट लिया है बीज निकाल कर। और सेकंड है ये शकरकंदी यानी कि मीठा आलू। और ये है यहाँ बैंगन। और ये है ड्रम स्टिक यानी कि सोजना भी बोलते हैं हम इसे बंगाली में। यहाँ पे है गाजर, ये ऑप्शनल है, यूज़ कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। ये है कच्चा केला, ये भी बहुत ज़रूरी है इस आइटम में, इस रेसिपी में। ये है, इसको सीम बोला जाता है, ये एक तरह की बीन्स है, फ्लैट बीन्स भी कह सकते हैं इसे, इसका एक्चुअल नाम मुझे नहीं मालूम। तो ये है सब्ज़ी, ये सब्जियों की हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी। अब आ जाते हैं मसालों की तरफ। हमें चाहिए इसमें 5 फोड़न चाहिए, हमें तेज पत्ता चाहिए, दाल की बड़ी, इसे राधुनी बोलते हैं बंगाली में। इसकी फोटो मैं आपको दिखा दूंगी। ये एक्चुअली इसको मैंने सर्च करने की कोशिश की कि इसे हिंदी में क्या बोला जाए, तो इसे बोला गया ये अजवाइन की ही एक प्रजाति है, बट उससे थोड़ी सी छोटी होती है ये। इसको मैंने थोड़ा सा पीस लिया है। इसे इंग्लिश में मैंने देखा है इसको सेलरी सीड्स भी बोला जाता है, बट मैं फ़ोटो आपको दे दूंगी, आप देख पाएंगे। और ये है यहाँ पे अदरक को जो मैंने ग्रेट कर लिया है। तो चलिए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले पैन को गर्म करने के लिए डाल दिया है, अब मैं इसमें तेल डाल रही हूँ। सबसे पहले हम ये बड़ी को फ्राई कर लेंगे। अब इसी तेल में मैं सिर्फ दो चीज़ों को पहले फ्राई कर लूँगी, वो है ये करेला, क्योंकि इन्हीं को फ्राई करने में थोड़ा टाइम लगता है, और साथ में बैंगन। ये दोनों चीज़ें मैं एक साथ फ्राई कर लूँगी, क्योंकि अगर हम अलग अलग फ्राई करते हैं, जो कि एक्चुअली इस रेसिपी में की जाती है, अगर हम अलग अलग फ्राई करेंगे तो हमें तेल बहुत ज़्यादा यूज़ करेगा लगेगा, इसलिए मैं उसको अलग अलग नहीं करूँगी। मैं इसे ढक ढक के पकाऊँगी ताकि ये पक जाए और ये एक हेल्दी वर्जन ऑफ शुक्तो आपको मिल सके। देखिए दोनों पक गए हैं, मैंने इसे बहुत कम तेल में पकाया था, ये पूरा एकदम पक चुका है। अब मैं इसे निकाल लूँगी। मैंने अब इसमें फिर से 1 चम्मच जितना तेल डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे एक एक करके, ये है यहाँ बे लीफ को मैं यहाँ डाल दूंगी। फिर डालेंगे ये 5 फोड़न, जब इसमें से अच्छी स्मेल आने लग जाए तब हम इसमें अपनी सारी सब्जियां डाल देंगे। इसमें बाकी जितनी भी बची हुई सब्जियां थी मैं सब इसमें एक साथ ही डाल दूंगी। अब मैं डाल दूंगी इसमें ये थोड़ा सा नमक करके इसे अच्छे से मिलाकर, अब इसे मीडियम फ्लेम पे रख के हम इसे ढक देंगे ताकि सारी की सारी सब्जियां नरम हो जाए। 4 से 5 मिनट हो गए हैं, ये मैंने सब्जी को मीडियम फ्लेम में इसे पकने के लिए छोड़ा था। देखिए सब्जियां थोड़ी थोड़ी नरम हो गई है, और इसी बीच में हम डाल देंगे ये अदरक, ये कुटा हुआ अदरक जिसे मैंने ग्रेट करके रखा था, इसे डालकर। और इसमें डाल देंगे और एक चीज़, वो है ये राधुनी जिसको मैंने थोड़ा सा पीस के रखा था, इसे हम मिलाकर फिर से कुछ देर के लिए ढक देंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, अब देखिए ये सब्जी भी पक चुकी है, पूरा नरम हो गया है सब्जी, देखिए टूट रहा है। अभी हम इसमें डालेंगे हमारी ये बाकी जो हमने बना पहले फ्राई करके रखा था, इसे डालकर अब हम डाल देंगे इसमें दूध, ये 1 कप जितना दूध है। और ये 1 कप जितना मैंने उतना ही पानी डाल दिया है। आप चाहे तो इसे पूरा दूध में भी बना सकते हैं, जो ऑथेंटिक शुक्तो रेसिपी है उसमें हल्दी नहीं जाती है और उसमें पूरा ही वो दूध से बनता है, बट
पूरा दूध अभी और पचाना भी बहुत मुश्किल है, इसीलिए हम इसे डाइल्यूट करके बनाएंगे और ये इसकी जो पतली ग्रेवी होती है वही ज्यादा टेस्टी लगती है। अब हम इसे फिर से 2 से 3 मिनट तक ढक के रख देंगे ताकि ये पूरे अच्छे से और नरम हो जाए और सब फ्लेवर्स एक साथ मिक्स हो जाए। फिर मिलते हैं 2 मिनट के बाद। ये पक चुका है, पूरी सब्जियां भी गल गई हैं और ये ग्रेवी भी इसको जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए थे ये बिल्कुल वही कंसिस्टेंसी आ गई है। गैस बंद करने से पहले मैं इसमें 2 चीज डालूंगी। सबसे पहले है ये भुना हुआ जीरा का पाउडर, इससे बहुत सुंदर एक फ्लेवर आता है, जरूर ट्राई करके देखिए। और ये 1 चम्मच जितना घी। रेडी है गर्मा गर्म शुक्तों की रेसिपी और इसे जरूर ट्राई कीजिए। और विंटर सबसे सही टाइम है इसे खाने का, ये बहुत टेस्टी है। और इसकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि जब ये बनने से लेकर प्लेट तक इसकी खुशबू से पूरा घर आपका इतना सुंदर महकेगा कि आपको खाने का मन करेगा। तो चलिए मैं फिर मिलूंगी आपको, एक ऐसी हेल्दी रेसिपी दिखाऊंगी। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी।